गाय जो है वो सनातन धर्म के आस्था का प्रतीक है। धार्मिक एतबार से सब लोग उसका सम्मान करते हैं, और जब सम्मान को ठेस पहुंचती है तो लोगों को तकलीफ होती है। कई बार मीट का काम करने वाले लोग जो वैध तरीके से अपना कारोबार करते हैं, लेकिन जब किसी ना किसी तरीके से जिन जानवरों पर बैन लगा हुआ है, जब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उससे धार्मिक उन्माद भड़कता है। तो उत्तर प्रदेश में भी गोकसी पर कानून बनना चाहिए, उस पर रोक रखना चाहिए, क्योंकि मजहबी एतबार से भी इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है कि किसी के मजहब में कभी इस तरह की बात नहीं करना चाहिए जिससे लोगों को ठेस पहुंचे, और ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो हमारा भी ये मानना है, जिस तरह से गुजरात सरकार ने गोकसी पर कानून बनाया है, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार को भी कानून बनाना चाहिए, और सब लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। गलत तरीके से जो लोग मतलब दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मोइनुद्दीन उर्फ चमन भाई, ये जो है जो आप बता रहे हैं वो आस्था से जुड़ा मसला जो है, वो हम लोग एक ही देश में रहते हैं, और जिसमें जो है देश की भलाई है, हम सभी लोगों को, चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम हों, सभी लोगों को मिलकर सहयोग करना चाहिए। रहा सवाल ये कि अगर किसी भी तरह से कोई भी कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके लिए हमें और आपको ये चाहिए, या हमारे कानून को ये चाहिए कि पहले पूरी तरीके से ये देख लें कि इसमें हकीकत में दोषी हैं या नहीं हैं। अगर वो दोषी हैं तो उनके लिए उन्हें उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उस कानून के हम अंदर हैं, हम मानते हैं अच्छा कानून है वो, उसका मैं स्वागत करता हूँ, कोई बुराई की बात नहीं। आप उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग करते हैं? बिल्कुल मांग करते हैं, यहाँ भी होना चाहिए, कोई बुराई की बात नहीं। और आप ये बुराई का अंत होना चाहिए, अच्छे काम होना चाहिए, मैं चाहता हूँ। और गोकसी बंद होनी चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए, अवैध। तो क्या आप इस कानून का समर्थन करते हैं? पूरा योगी जी से क्या मांग करते हैं? तन धन योगी जी से बढ़िया काम कर रहे हैं, मांग की जरूरत ही नहीं।